ये गांधीनगर की पॉश लोकैलिटी है और ये जम्मू स्मार्ट सिटी है। इसके लिए धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और ये सत्ताधारी दल ने और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। ठीक गांधीनगर के बीचों बीच पॉश गांधीनगर की एक लोकैलिटी में सुबह हल्की सी बारिश हुई है और उसी बारिश के नतीजे में आप देख सकते हैं कि ये सारा तालाब में तब्दील हो गया है। यानी आप अगर इधर आते हैं तो आपको ये समझना है कि आप स्मार्ट सिटी में हैं। ये देखें, ये स्मार्ट सिटी के स्मार्ट लोगों के स्मार्ट घर, और स्मार्ट घरों की सूरत हाल क्या है वो आपके सामने है, वो दृश्य आप देख सकते हैं। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी अब निकली है और वो देखें, वहां पे जाम लगा हुआ है, बारिश अभी थमी है लेकिन पूरा दिन आज बारिश अगर हुई तो शाम तक आपको स्मार्ट सिटी की सच्चाई पूरी पूरी पता चलेगी। ये यहाँ पे जेसीबी लग गई है, और आप जानते हैं जब जेसीबी काम करती है तो क्या होता है, ये नाले भर गए हैं, ये सारी नालियां भर गई हैं और ये जेसीबी काम पर लग गया है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी में स्मार्ट आनंद जो है, ये देखिए आप जो गाड़ियां वहां गई हुई हैं वो देखें, इन्हें बड़ा सोच समझ के, और आज अगर घर से आप निकले तो सोच समझ के घर से निकले, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है और आपके लिए चलना मुहाल है, और अगर घर से निकले तो डक बैग लगा के निकले क्योंकि पानी काफी ऊंचा है। खासतौर पर पत्रकार जिनको फील्ड से रिपोर्टिंग करनी है, ये आप देखिए, ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट घर है, स्मार्ट गाड़ी है और स्मार्ट गाड़ी के सामने स्मार्ट पानी है, तो ये बड़ा अच्छा। और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अंदर देखिए क्या सूरत हाल है, नाला कितना भरा हुआ है। ये भाई साहब आ रहे हैं, इनको जाने दीजिए और आगे बढ़िए थोड़ा और। आप ये देखें, ये स्मार्ट सिटी का स्मार्ट नाला, और ये नाला डूबा हुआ, और ये अच्छी बात है कि ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, यहां पर गांधीनगर हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ, बहु प्लाजा सतवारी, तो ये सतवारी का बोर्ड अंदर आ गया। तो ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी घूम रही है और ये सूरत हाल है जी। ये आप देखें, ये नाला है और नाला बिल्कुल पैका पैक है, वो वहां से नाले को साफ करने का कार्यक्रम चल रहा है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल भर गया है इसमें, और ये जम्मू स्मार्ट सिटी के दृश्य हम आपको किसी गांव देहात से नहीं बल्कि पॉश गांधीनगर की से दिखा रहे हैं, और आपको ये बता रहे हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो 5 साल बराबर फंक्शनल रही और जिसकी सरपरस्ती में जम्मू स्मार्ट सिटी का काम हुआ, कि क्या काम हुआ है, कितना बढ़िया काम हुआ है और कितना जबरदस्त हमारा ड्रेनेज सिस्टम है और कितना कम करप्शन जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसका अंदाजा आपको इससे लग जाना चाहिए। ये देखिए ध्यान से, ये पुलिसकर्मी है और इन्हें स्कूटी चलानी है और ये भी जानती है कि कितना मुश्किल है इस समय स्कूटी चलाना। ये ध्यान से आप दृश्य देखिए, वो बेचारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी करे क्या, वीवीआईपी भाई साहब आ गए हैं, अब सारी दुनिया को लाइन में लगना है और पहले वीवीआईपी को निकलना है। ये देखें जी, जबरदस्त शोर है, शोर ये बता रहा है कि वीवीआईपी आ रहे हैं, लेकिन जम्मू स्मार्ट सिटी और गांधीनगर में पॉश जम्मू की लोकैलिटी में अगर ये ड्रेनेज का सिस्टम है तो दो बातें कहना बड़ा जरूरी है। नंबर एक, कोई करप्शन जम्मू स्मार्ट सिटी में नहीं हुई है, ये सब बेकार की बातें हैं, और ये जो आज ये यहां पे तालाब सड़कों पे बना है और कुछ सड़कों के बने हुए तालाब आपको दिखाएंगे, इसके लिए जम्मू स्मार्ट सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की वो टीम जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लीडरशिप रोल में थी वो भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने भगवान से मांगा, जिन्होंने खुदा से मांगा, जिन्होंने गुरुद्वारों में जाकर अरदास की, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट से मांगा कि जनाब गर्मी बड़ी पड़ रही है, कम से कम गर्मी से राहत के लिए बारिश हो, जिम्मेदार वो लोग हैं। अब उनकी दुआ सुन ली ऊपर वाले ने, बारिश हो गई, तो ये आप देख सकते हैं कि बारिश के कारण सब कुछ एक्सपोज हुआ है। अगर बारिश नहीं होती तो किसी को पता ही नहीं चलता, सबको लगता कि जम्मू स्मार्ट सिटी में स्मार्ट काम हुआ है और बहुत स्मार्ट काम हुआ है, और जम्मू स्मार्ट सिटी में ही क्या, ट्रैफिक पुलिस वाले बड़ा स्मार्ट काम कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो ई रिक्शा यहां लॉन्च किए, इनकी भी अपनी एक कहानी है, वो बाद में, फिलहाल सिर्फ ये कि जम्मू स्मार्ट है और बहुत स्मार्ट है, और कितना स्मार्ट है वो आपको गांधीनगर के ये दृश्य देखकर पता लग जाना चाहिए।
तो पत्रकार बंधु, अगर आप निकले हैं कवरेज करने के लिए, डक बैग लगा के निकले, लंबे बूट लगा के निकले, फ्लीट में निकले, क्योंकि इसमें पानी में आपके जूते भीग सकते हैं, क्योंकि पानी काफी है। ये देखिए भाई साहब आ रहे हैं, चप्पल में मुझे निकलना बहुत बढ़िया है। ये देखें चप्पल में जा रहे हैं, ये देखें पानी कितना है। थोड़ा सा जूम करें ताकि लोगों को पानी का अंदाजा हो जाए पानी कितना है, वरना इसका भी डिनायल सुबह आ जाएगा कि जनाब पानी कम था, आपने ज्यादा दिखा दिया। देख लिया आपने। और इस जम्मू स्मार्ट सिटी में जब गांधीनगर का ये हाल है, तो बाकी शहर का क्या हाल है वो भी आप तक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे।